हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में देखिए, जो पॉलिटी के लिए मैंने जो नया सेशन स्टार्ट किया था, जिसमें ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मैंने लिए थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर चार पांच क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, एमपीपीसी, जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, ये सभी के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। इसमें से काफ़ी अच्छे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो निकल सकते हैं। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए आगे शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चार स्टेटमेंट्स हमारी दी हुई हैं, तो उसमें से हमारा बताना है कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए, नीचे ऑप्शंस आप देख लो एक बार। ठीक है, मैं क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट्स हैं मैं वन बाई वन पढ़ता हूँ और सही बताता हूँ कि है क्या इसमें। देखिए, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसके लिए देखिए, इनकी संख्या जो है हमारी 11। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना होगा कि 11 की 11 आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे याद करते हो, टिक से याद करते हो या बार बार रिपीट करके। तो वो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, तभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड आप जो क्वेश्चंस हैं वो कर पाओगे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की संख्या 11 है। ठीक है, और ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, और ये आई थी हमारा, ये हमारा जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, 1976 में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई थी। तो जब ये 1976 में आई थी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की संख्या जो थी वो 10 थी। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमिटी ने जो थी वो रिकमेंड करी थी, वो उनकी संख्या थी 8। ठीक है, और ये 2002 में, ठीक है, हमारा ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ। ठीक है, जिसके थ्रू हमारी 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो जोड़ी गई, जिसमें 6 से 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल जाना कंपलसरी किया गया। तो मतलब ये पेरेंट्स या गार्जियन की जो ड्यूटी है वो होगी कि जो भी चिल्ड्रंस हैं वो 6 से 14 साल के बीच में उनको कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। देखिए, जब आप 11 ड्यूटीज़ पढ़ेंगे तो लोकसभा के इलेक्शन का वहाँ पे कोई भी कोई नामो निशान नहीं होगा, तो पहला स्टेटमेंट तो देखिए गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ये देखिए, आपको लग तो रहा होगा सही, लेकिन ये देखिए, अगर आप कभी ध्यान से पढ़ेंगे तो ये DPSP है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो स्टेटमेंट दूसरा है ये आर्टिकल 49 के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, यानी शुरू के दो स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गए। ये मैंने इस वजह से लिए हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस गलत ना कर पाएँ। इस वजह से मैंने ऐसे स्टेटमेंट उठाए हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट भी करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड डिप्लोमा। ये बिल्कुल सही है, हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें एक साइंटिफिक टेम्पर जो है वो डेवलप करना चाहिए। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। ठीक है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। हाँ ठीक है, अपने अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि हमारा इंडियन कल्चर जो है वो काफ़ी पुराना और काफ़ी वास्ट है। ठीक है, तो देखिए, अगर हमने सही से नहीं पढ़ा हुआ होता तो हम इसमें देखिए दूसरा स्टेटमेंट भी हम बिल्कुल सही लगा के आ जाते और हमारा आम आंसर ये मार देते। ठीक है, लेकिन देखिए शुरू के हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत है, तीसरा और चौथा हमारा बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन देखिए हमारा सी होगा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन जस्टिशेबल इन नेचर। ठीक है, मतलब कि ऐसा कौन से जो नीचे लिखे हुए हैं, तीन हमारे फंडामेंटल राइट, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, इनको किसी भी कोर्ट वगैरह में चैलेंज नहीं करा जा सकता है, और ना ही कोई कोर्ट है इनको इन्फोर्स कर सकती है। अब देखिए, हमको पता है कि जो फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे वायलेट होते तो हम बिल्कुल कोर्ट, किसी भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो जस्टिसेबल है नेचर में, नहीं, पहला स्टेटमेंट तो गलत ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए, पहला
पहला पहला ठीक है, तो यहीं से हमको डायरेक्ट और स्टेटमेंट पे नहीं जाएंगे, तो दूसरा और तीसरा ही हमारा सही आंसर हो जाएगा ठीक है। यानी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है ठीक है। मतलब ऐसा कोई कहा नहीं है कि आपको ये करना ही करना है, और अगर आपकी ये चीज़ मतलब ये किसी के ऊपर आरोप भी नहीं लगा सकते कि भैया ये बंदा नहीं कर रहा है तो फिर हम उसको कोर्ट में घसीट के ले जाएँ, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। अब देखिए सातवां क्वेश्चन कह रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर बोरोड फ्रॉम ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी कहाँ से ली गई हैं, पहला है यूएसए, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है यूके, चौथा है नन ऑफ द एबो ठीक है। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी कहाँ से ली गई हैं, ये हमारी ली गई हैं यूएसएसआर से ठीक है, जो ऑप्शन में नहीं है तो डी ऑप्शन सही हो गया, नन ऑफ द एबो ठीक है। और यूएसए से देखिए हमारा क्या लिया गया है, यूएसए से हमारा फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से हमारी कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है, और यूके से जो है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड ठीक है। अब इसमें से जो करेक्टली मैच्ड है वो हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत जो है वो आर्टिकल 40 के अंतर्गत होती है, हाँ बिल्कुल सही है होती है। राइट टू वर्क एक फंडामेंटल राइट है, नहीं जी ये बिल्कुल गलत है, राइट टू वर्क जो है ये हमारा डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल ये 41 है, एक बार देख लीजिएगा ठीक है। तीसरा है राइट टू इंफॉर्मेशन फंडामेंटल राइट, नहीं जी ये भी बिल्कुल गलत है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक हमारा लीगल राइट है ठीक है। चौथा है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये एक डीपीएसपी है देखने में लग रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल गलत है, लेकिन जो टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी जो है ये हमारा आता है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी होती है ठीक है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी होती है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड मतलब जो वायलेंस है हम वो ना करें ठीक है। तो चौथा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। पांचवा है ट्रांसफ़र ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, मतलब एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना, ये आर्टिकल 225 में है, नहीं जी ये भी बिल्कुल गलत है, ये आर्टिकल 222 में है। तो स्टेटमेंट कौन सा सही है, खाली हमारा पहला स्टेटमेंट सही है ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शंस ठीक है, दो तीन चार ठीक है, दो तीन चार ठीक है, ये तो गलत हो गया, ओनली वन ये सही है, वन टू थ्री नहीं, नो स्टेटमेंट, ये पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये तो इसका आंसर बी हो गया हमारा ठीक है। अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर इनकरेक्टली मैच्ड, मतलब गलत कौन से मिले हुए हैं हमारे ठीक है। आर्टिकल 44 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, दूसरा है आर्टिकल 226 रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, तीसरा आर्टिकल 50 टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, चौथा है आर्टिकल 312 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ठीक है। तो एक बार देख लीजिए ऑप्शंस इसमें से कौन से करेक्ट होंगे। अब देखिए पहला देख लेते हैं, आर्टिकल 44 जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये चीज़ तो नहीं है जी। जो आर्टिकल 44 है हमारा, ये हमारा होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए होता है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया ठीक है। हमें ध्यान रखिएगा जो इनकरेक्टली मैच्ड हैं वो बताने हैं। दूसरा है आर्टिकल 226 रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, हाँ ठीक है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, तीसरा है आर्टिकल 50 टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, नहीं ये तो गलत है, जो ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी वाला जो है पीस वाला है ये तो हमारा आर्टिकल 51 के अंतर्गत आता है ठीक है। आर्टिकल 50 के अंतर्गत हमारा आता है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी जो हमारी जुडिशियरी है वो एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए तभी वो ठीक से काम कर पाएगी ठीक है। आर्टिकल 312 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ठीक है, आर्टिकल 312 जो होता है हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए होता है, यूपीएससी के लिए हमारा आर्टिकल जो है वो 315 होता है ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी गलत कौन कौन से हुए हमारे, गलत हो गए एक तीन चार ठीक है। तो ये इसका देखिए पहला ही ऑप्शन सही है ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, होप्स हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो क्या आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है गलत हुआ है या कुछ और स्टेटमेंट मैंने गलत बताया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।